अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। लाइन में लग करके लोगों की जान चली गई। एक बैंक में पैदा हुआ, खजांची नाम रख दिया लोगों ने उसका, क्या वो झूठ याद नहीं है आपको? फिर एक बार सबको लाइन में लगाना चाहते हैं ये लोग, पहले अपने रुपए के लिए और अब अपनी पहचान के लिए। ये धोखा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए, किसी के धान की कीमत मिली, किसी के आलू की कीमत मिली, किसी को नौकरी और रोजगार की उम्मीद है क्या? क्या महंगाई है बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो जब इन चीजों से ध्यान हटाना है, इसलिए एनआरसी और सीए नहीं ला रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं जानता एनआरसी और सीए, हम उनसे कहते हैं आप कितना जानते हो एनआरसी और सीए के बारे में? आप भी तो नहीं जानते हो। इसलिए इनके धोखे से बचिए, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और जितने भी भारत के भारतीय लोग हैं सीए और एनआरसी की खिलाफत कर रहे हैं, ये सवाल जाति और धर्म का नहीं है, ये सवाल ये है कि जितने भारतीय लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं एनआरसी पे तो हमने चर्चा ही नहीं की कोई अभी तक। आज के जमाने में कोई झूठ नहीं बोल सकता है। आप गूगल कर करके पुराना इतिहास उठा लीजिए, क्या भाषा इस्तेमाल हुई है। आज हम भी कुछ कहना चाहेंगे, आप गूगल करके निकाल लेंगे, आर्काइव में वो चीजें पड़ी हैं कि क्या आपने एनआरसी के लिए कहा है। उन्होंने तो ये कहा कि डिटेंशन कैंप्स नहीं है, लोग बता रहे डिटेंशन कैंप बने हैं, लोग उसमें जान गई हैं उनमें। सर झारखंड में जो नतीजे आए, लगता है कि सरकार की इंजीनियरिंग का विरोध है। सरकार नाकाम हो चुकी है, सरकार जमीनी हकीकत से दूर है, जनता क्या चाहती है वो सरकार नहीं जानती है। सरकार एनआरसी पे चुनाव लड़ना चाहती है और जनता अपनी महंगाई पे चुनाव लड़ना चाहती है, जनता रोजगार चाहती है। पहले तो 2007 में जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए, बहुत सारे सवाल उठाए कि एक भी वादा मोदी सरकार ने, यूपी सरकार ने पूरा नहीं किया है। उधर राहुल प्रियंका को रोक लिया गया है मेरठ जाने से, लेकिन दोनों ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। जामिया के छात्रों का जो प्रदर्शन है दिल्ली के मंडी हाउस पर, वो लगातार चल रहा है। कोलकाता में ममता बनर्जी सीए के खिलाफ एक मार्च निकाल रही हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं जंतर मंतर, मौसमी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मौसमी, छात्रों का रुख अब क्या है?